भारत के चमकते सितारे और चाइना मैन के नाम से मशहूर कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ करो या मरो मुकाबले में एक बार फिर से दिखाया है अपनी गेंदबाजी का जलवा। खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को अपने फिरकी में फंसाकर कुलदीप ने रच दिया इतिहास, जिसका पीछा कर पाना किसी भी गेंदबाज के लिए नहीं होने वाला आसान। तो कौन सा रिकॉर्ड किया इस गेंदबाज ने अपने नाम, बताएंगे आपको, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वेस्टइंडीज की तरफ से हो रही लगातार विषापोटक बल्लेबाजी को काउंटर करने के लिए जैसे ही कप्तान ने अपने तुरुप के इक्के को लगाया, वैसे गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव ने अपने कप्तान को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और विकेट निकाल कर अपने कप्तान को दिए। हालांकि इस गेंदबाज को भी आज काम पिटाई नहीं लगी, पूरन से लेकर चार्ल्स और किंग्स ने कई मौकों पर धोया, मगर इसके बावजूद भी इस गेंदबाज ने इस तरह के आक्रमण को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और लगातार बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को झटका दिया। ऐसे में आपको बता दें कि कुलदीप यादव ने इस मैच में पहले चार्ल्स को अपना शिकार बनाया, हालांकि अंपायर ने कुलदीप के इस अपील को नकार दिया, लेकिन कप्तान ने अपने इस गेंदबाज के ऊपर भरोसा दिखाया और रिव्यू लिया। थर्ड अंपायर ने चार्ल्स को बड़ी स्क्रीन पर आउट पाया और फील्डर अंपायर को अपना निर्णय बदलना पड़ा। कुलदीप का तांडव यहां से शुरू। अपना पहला विकेट चार्ल्स के तौर पर लेने के बाद आत्मविश्वास से भरे इस गेंदबाज ने इसके बाद पूरन को सैमसंग के हाथों स्टंप करवाया और इसके बल्लेबाज को कुलदीप ने चलता किया। हालांकि पूरन ने इससे ठीक पहले पिछले ओवर में ही आगे निकलकर एक छक्का भी छोड़ा, लेकिन इसके बावजूद इस गेंदबाज ने उनको लगातार उसी अंदाज में गेंदबाजी की और जाल में फंसाने में कामयाब रहे। पूरन के बाद इस ओवर में अगला शिकार इस शिकारी ने ब्रैंडन किंग को चलता किया और जैसे ही इस गेंदबाज ने किंग्स को चलता किया वैसे ही टी20 के किंग बन गए। किंग को आउट करते ही कुलदीप यादव को टी20 मैच में 50 विकेट भी पूरा हुआ और यह गेंदबाज टी20 में ऐसा करने वाले भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए। ऐसे में आपको बता दें कुलदीप यादव ने ऐसा करने में मात्र 638 गेंदों का इस्तेमाल किया और इसी के साथ वो दुनिया के चौथे गेंदबाज बन गए। इस लिस्ट को अभी भी श्रीलंका के अजंता मेंडिस कर रहे हैं, जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने में मात्र 600 गेंदों का इस्तेमाल किया। वही उन्होंने इस रिकॉर्ड को अपने नाम करते हुए अपने जोड़ीदार चहल को भी काफी पीछे छोड़ दिया। ऐसे में आपको बता दें कुलदीप ने 50 विकेट लेने के लिए 30 मैचों का उपयोग किया, वही उनके जोड़ीदार चहल ने इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने के लिए 34 मैचों का सहारा लिया। वही बात करें इस टेबल को टॉप करने वाले दुनिया के गेंदबाज की, तो इस लिस्ट को भी मेंडिस ही टॉप कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए 26 मैचों का उपयोग किया था। ऐसे में आपको क्या लगता है, ये गेंदबाज आने वाले दिनों में और कितने रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं, हमें अपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।